क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। स्विट्जरलैंड का एक मूल निवासी बीते 4 दशकों से भारत की पारंपरिक विरासत, संस्कृति और धर्म के रक्षक के तौर पर खड़े रहने के साथ साथ आज देश के एक पिछड़े इलाके में शिक्षा जैसी समाज सेवा में भी जी जान से जुटा है। मिलिए ओंकारानंद आश्रम हिमालयाज के प्रमुख और ऋषिकेश के एक ऋषि स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती से। कल कल बहती गंगा की ये धारा और उसके पावन तट पर पवित्र वेद ऋचाओं का लयबद्ध पाठ मानो पूरे वातावरण को वेदमय और देवमय बना रहा है। ये दृश्य है ऋषिकेश के ओंकारानंद गायत्री वेद विद्यालय का, जहां देश भर से आए छात्र न केवल वेद व्याकरण और साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही रोजाना त्रिकाल संध्या, हवन और गीता आरती जैसे प्राचीन परंपराओं को निभाने के साथ साथ आधुनिक दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए अंग्रेजी और कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वेद है, व्याकरण है, साहित्य है, ज्योतिष है, और उसके बाद में क्या बोलते अपना अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक है, हिंदी है, तो सारे विषय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। 3 साल में हमने मतलब वेद के पूरे 40 अध्याय थे, उसका हमने यहाँ पे पाठ किया पूरा, गुरु साहब की संता जो भी थी किया। अब वेद के प्रति हमारा अनुभव है कि यहाँ से मतलब लोग पढ़े, आगे बढ़े और आगे मतलब वेद के प्रति अच्छी प्रचार आगे मतलब आने वाले उसमें वेदों का प्रचार। परंपराओं और संस्कारों का ओंकारानंद आश्रम में खास महत्व है, इसलिए करीब 2500 छात्र छात्राओं वाले ऋषिकेश के पहले अंग्रेजी माध्यम के इंटरमीडिएट स्कूल ओंकारानंद सरस्वती निलयम में समसामयिक पढ़ाई के साथ साथ इन बातों का भी खास ध्यान रखा जाता है। जितने भी मॉडर्न सुविधाएं हैं वो सब देते हैं, और साथ साथ जो है एक स्पिरिचुअलिटी का, संस्कारों का, उसके ऊपर विशेष स्वामी जी का रहता है कि बच्चों को बताया जाए, डिवाइन लाइफ के बारे में बताया जाए, तो वो भी हमारे स्कूल में चलता है। ओंकारानंद सरस्वती निलयम और गायत्री वेद विद्यालय जैसी ही एक और सराहनीय पहल है ओंकारानंद हिल स्कूलों की विशाल श्रृंखला, जिसमें 41 स्कूल बेसिक शिक्षा से तो वहीं एक स्कूल 10वीं और एक इंटरमीडिएट से संबद्ध है। सबसे खास बात यह है कि इन हिल स्कूलों में अधिकांश उत्तराखंड के बेहद दुर्गम इलाकों में चल रहे हैं। ऐसी जगह भी स्कूल्स हैं हमारे आश्रम के जहाँ पे आप ये लगा लीजिए कि जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, वहाँ भी इंटीरियर्स में प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जो बेसिक शिक्षा है, तो उसमें वहाँ हमारे टीचर्स जाते हैं। और कहीं पे हमारे 2 स्कूल्स ऐसे हैं गंगोत्री यमुनोत्री के पास, जहाँ पे पद यात्रा करके 3 किलोमीटर रोड से जाना पड़ता है, और हम कोऑर्डिनेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ भी शिक्षा प्राप्त हो। स्कूली शिक्षा के साथ ही ओंकारानंद आश्रम ऋषिकेश की सुरम्य वादियों में साल 1999 में स्थापित OIMT यानी ओंकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के जरिए व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय है, और आज OIMT के स्टूडेंट्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। शुरुआती दौर में कुछ ही कोर्सेज थे, आज हमारे पास करीब 9 कोर्सेज यहाँ पर हैं जो कि मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस, एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंसेज में हैं। उत्तराखंड के पुराने सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक कॉलेज ये है जो कि अपनी प्रोफेशनल वैल्यू एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और हमारे छात्र जो हैं वो देश विदेश में, उत्तराखंड के बाहर भी और भारतवर्ष में पूरा और तमाम विदेशों में भी संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा के इन पावन केंद्रों को स्थापित किया है ओंकारानंद आश्रम हिमालयाज के प्रमुख और गुरु सेवा में रत रहने वाले ऋषिकेश के विलक्षण संत स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती ने। लेकिन उनके लिए भी ये सफर इतना आसान नहीं था। You see, there was definitely a difficult time. They not only wanted to pull our leg, but they wanted to pull our whole body.
and they have that right, their level best to do it. And it was a very critical and very, very difficult time here. So here I have to say first thing, without a good challenge, a good progress is not possible. गंगा की अविरल धारा की तरह ही ओंकारानंद आश्रम की अनेकों शिक्षा केंद्रों के माध्यम से 1983 से शुरू ज्ञान गंगा का अनवरत प्रवाह आज भी जारी है। भारतीय युवा के एक वर्ग पर आज आरोप है कि पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण के फेर में वो अपनी भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि स्वामी विश्वेश्वरानंद की अगुवाई में कुछ एक विदेशी मूल के लोग भारतीय संस्कृति को अपनी प्राणवायु मानकर उसे न सिर्फ आत्मसात कर चुके हैं बल्कि उसके प्रचार प्रसार में अनवरत जुटे भी हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का ही एक प्रयास है 1984 में ऋषिकेश में ओंकारानंद नाट्य कला एकेडमी की स्थापना। प्रयाग संगीत समिति से संबद्ध इस एकेडमी में न केवल भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत के प्रशिक्षण बल्कि उसके गहन अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। Hundreds of children, when she built up Omkarananda Natya Kala Academy, hundreds and hundreds of children came over there, took the advantage, because we had some place in Triveni Ghat of Rishikesh. We have a place over there, a big hall, and there Somaji was training these children absolutely free of cost. इस academy की director हैं कुमारी सोमशेखरी, जिन्हें खास तौर पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य की भक्ति शैली में महारत हासिल है। उन्होंने अपना जीवन न केवल इसके प्रचार प्रसार में अर्पित कर दिया है बल्कि इसे ईश्वर की साधना और भक्ति के माध्यम के तौर पर पुनर्जीवित करने का प्रयास भी कर रही हैं। बिना भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जीवित नहीं रह पाऊंगी, ये मेरा दिल है, मेरा जीवन है और इसके द्वारा मैं भगवान जी का आराधना कर सकती हूँ। जैसे एक पुजारी अपना पूजा कर रहे हैं भगवान जी के लिए, वैसे मुझे भगवान जी के लिए नृत्य करना है और इसके द्वारा अगर गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद देंगे, इसके द्वारा मैं भगवान जी को प्राप्त करना चाहती हूँ। बीते कुछ सालों में कुमारी सोमशेखरी के मार्गदर्शन में एकेडमी के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जहाँ एक तरफ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों की शिक्षा ली है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के बच्चों को भी इसका लाभ मिला है। आध्यात्मिक साधना में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में इसमें भी ये भी संस्कृत पर आधारित है या तेलुगु तमिल पर आधारित है और बाद में ऋषिकेश में आकर के मैंने कथक नृत्य सीखा है। जर्मनी में जन्मी कुमारी सोमशेखरी जिस तरह भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत को आत्मसात कर लगातार उसके प्रचार प्रसार में जुटी हैं, वो न केवल प्रशंसनीय है बल्कि एक मिसाल भी है। स्वामी विश्वेश्वरानंद और ओंकारानंद आश्रम हिमालयाज आज उत्तराखंड में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों के साथ साथ पुस्तकालय, अस्पताल, गंगा के घाट और धर्मशालाओं के निर्माण और रखरखाव जैसे सामाजिक कार्यों में भी संलग्न है। सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ ओंकारानंद आश्रम उत्तराखंड में सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी बेहद सक्रिय है। ओंकारानंद आश्रम की मदद से एक होम्योपैथी अस्पताल और पब्लिक लाइब्रेरी समेत छात्र छात्राओं के लिए एक संस्कृत लाइब्रेरी का भी संचालन किया जाता है। होम्योपैथिक पीपल दे केम टू अस एंड दे वर टेलिंग स्वामी जी वी वांट टू पुट अप अ होम्योपैथिक हॉस्पिटल। आई टोल्ड देम ओके आई गिव यू अ रूम फ्री फुल हाउस अ रूम you start homeopathic hospital and they say in turn we name it after Gurudev. Today we have Omkarananda homeopathic hospital run by the government. Today people can go read newspaper, can read books in our Omkarananda public library. पुस्तकालय और अस्पताल के अलावा ओंकारानंद आश्रम
गंगा के घाट और धर्मशालाओं के निर्माण और रखरखाव जैसे सामाजिक कार्यों में भी संलग्न है। आश्रम ने ऋषिकेश में गंगा किनारे ओंकारानंद गंगा घाट और दो धर्मशालाएं गंगा सदन और गीता सदन का निर्माण कर सामाजिक क्षेत्र में महती योगदान किया है। ठीक गंगा तट पर होना इनका विशेष आकर्षण है। देश भर में आज अनेकों ऐसे मंदिर हैं जो उचित देखभाल और रखरखाव के लिए अरसों से तरस रहे हैं। ऐसे में स्वामी विश्वेश्वरानंद की संस्था उत्तराखंड में 18 नए पुराने मंदिरों के निर्माण, जीर्णोद्धार और रखरखाव में श्रद्धापूर्वक जुटी है। ऋषिकेश के भव्य और खूबसूरत मंदिरों में से एक है ओंकारानंद आश्रम द्वारा निर्मित और संचालित ओंकारानंद कामाक्षी मंदिर। स्थापत्य कला की अनूठी दक्षिण भारतीय शैली में बने होने के कारण ये मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को खास तौर पर आकर्षित करता है। इनका मुख्य श्रीपीठ तो दक्षिण भारत में कांचीपुरम में है, कामाक्षी पीठम में। उत्तर भारत में स्वामी ओमकारानंद जी के आशीर्वाद से उत्तर भारत में उत्तराखंड की सिपू में इनके तप के प्रभाव से स्वामी विश्वेश्वरानंद जी ने इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया। वर्तमान में ओंकारानंद आश्रम इस कामाक्षी मंदिर समेत उत्तराखंड में कुल 18 भव्य मंदिरों के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इनमें से कई मंदिरों का निर्माण ओंकारानंद आश्रम ने ही किया है, तो कई ऐसे मंदिर भी थे जो बेहद जीर्ण शीर्ण हालत में थे, लेकिन ओंकारानंद आश्रम ने उनका जीर्णोद्धार कर उन्हें भव्य और खूबसूरत रूप दिया है। When people saw the way we are maintaining the temple, immediately somebody says, we have a temple in Tapovan, our parents are old, please you take it. Yes, we were ready to take it. So Satyanarayan temple came into our hand. Then Satyanarayan temple came into our hand. All these Satyanarayan Tipeshwar Mandir, beautiful temple here. करीबन 30 से 35 साल पहले यहाँ पे जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी उनके परिवार वाले, हाँ जी, वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे। जब उनसे वो सेवा नहीं हो पाई तो उन्होंने स्वामी जी के हैंड ओवर दे दिए उसको, अपने मंदिर को, कि आप इसकी देखभाल करो, अच्छे तरीके से पूजा पाठ हो, सुबह भजन कीर्तन हो इस पे। वर्षों से अपने जीर्णोद्धार और रखरखाव की राह देख रहे प्राचीन मंदिरों को ओंकारानंद आश्रम और स्वामी विश्वेश्वरानंद के रूप में एक ऐसा उद्धारक मिला जिसकी वजह से आज वो एक बार फिर पूरी भव्यता के साथ स्थापित हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे और क्यों स्विट्जरलैंड का एक युवा पायलट भारतीय आध्यात्म के आकर्षण से भारत भूमि की ओर खींचा चला आया। देखते रहिए क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी विश्वेश्वरानंद सरस्वती के जीवन के नाटकीय घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड से ऋषिकेश की हजारों मील की भौगोलिक दूरी को भारतीय आध्यात्म की शक्ति से आसानी से पाटा जा सकता है। ओंकारानंद आश्रम की सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों की विशाल परियोजनाओं और ऋषिकेश समेत पूरे उत्तराखंड में उनके स्कूलों और मंदिरों के कुशल प्रबंधन और रखरखाव को देखकर एक बारगी आश्चर्य भी होता है, लेकिन इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए स्वामी विश्वेश्वरानंद को अनवरत प्रयास करते हुए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। No progress is possible without facing difficulties. And the more difficulties you face, the better the progress is there. That is clearly inscribed in Omkarananda Ashram Himalayas. And there are thousands and thousands of proofs.
स्विट्जरलैंड से भारत के ऋषिकेश तक स्वामी विश्वेश्वरानंद की यात्रा बेहद दिलचस्प है। स्विट्जरलैंड में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए थे और बाद में एक पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके जीवन में सबसे अहम बदलाव तब आया जब 1965 में वो परमहंस ओंकारानंद सरस्वती जी से मिले और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। So we have requested him, can we help in your ashram? So very humbly as young fellows, we went there, make our electrical things here, worked in each and every phase here. And more, the more we did, the more we entered into karma yoga, the more Gurudev's blessing came to us, so that after some time he felt we should send this Vishveshwaranam to Rishikesh. And here I am. साल 1982 में ऋषिकेश जाने का गुरु का आदेश मानो स्वामी विश्वेश्वरानंद के लिए उनकी मनमांगी मुराद पूरी होने जैसा था, क्योंकि 1975 में अपनी हैदराबाद की यात्रा में ही उन्हें एहसास हो गया था कि भारत भूमि ही उनकी कर्म भूमि है। एक्चुअली इन 1975 गुरुदेव सेंट मी वांस टू हैदराबाद बिकॉज़ गुरुदेव इटसेल्फ इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. Okay. And when I came to Hyderabad, I felt a dream has come true. I realized that India is my place. भारत आने के बाद स्वामी विश्वेश्वरानंद तन मन धन से गुरु ओंकारानंद जी के सपने को साकार करने में जुट गए और उनके इस पवित्र कार्य में साथ मिला कुमारी सोमशेखरी और स्वामी सच्चिदानंद जी का, जो आज उनके साथ किसी साये की तरह रहकर हर कार्य में हाथ बटाते हैं। There are some people who lead by example, like Swami Vishveshwaranand Saraswati. He is actually an embodiment of spiritualism himself. Swami Vishveshwaranand आध्यात्म की एक जीती जागती मिसाल हैं। ओंकारानंद आश्रम हिमालयाज का अगला लक्ष्य क्या है? We first of all we would like to have little bit more professionalism in the hills. We would like here that this improving more because there are wonderful people, innocent people over there. Let them have the capacity, give them a chance to educate properly. So there we would like to improve and the measure improve which is now coming and you are the first you can hear it. We are have already starting with the proceeding of Paramahams Omkarananda University. लोगों के लिए आपका आध्यात्मिक संदेश क्या है? I would like the same spirit what Gurudev has done, that he shall work through you, that he shall work through each and everyone, make us closer to that for what God has sent us to this planet, so that one day we will have eternal happiness. That should be the motto, not only of us, but of everybody who comes to this world. Then the wish of Gurudev is there. Let everybody reach the supreme reality. Thank you very much. स्वामी विश्वेश्वरानंद की निस्वार्थ सेवा और सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें दर्जनों पुरस्कार और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 1998 को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्हें विशेष तौर पर सम्मानित किया। दिसंबर 2005 को दून सिटीजन काउंसिल ने प्राइड ऑफ उत्तरांचल अवार्ड, फरवरी 2006 में इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह के हाथों ISFI अवार्ड, अक्टूबर 2008 में मुंबई में राष्ट्र शक्ति अवार्ड, मई 2019 में सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऋषिकेश की तरफ से शिक्षा शिरोमणि अवार्ड, मार्च 2020 में वैदिक ऋषि रत्न अवार्ड और 25 दिसंबर 2020 में ओंकारानंद जयंती समारोह के मौके पर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्वामी विश्वेश्वरानंद की मानव सेवा और जन सरोकार के कार्यों को देखते हुए न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा मानव समाज उनके योगदान और सेवा भाव के प्रति कृतज्ञ और ऋणी है। विदेशी मूल के स्वामी विश्वेश्वरानंद की
भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम, समर्पण और सेवा भाव से सराबोर हो चुकने के बाद निश्चित रूप से आप कहना चाह रहे हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक और प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।